हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और ताकि आपको जो है हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो जो है वो मिलते रहें। और आप हमारे वीडियोस को अगर आपको पसंद आते हैं तो उसको लाइक भी करें, ताकि वो आपके मोबाइल में जो है लाइक वीडियोस में सेव हो जाएं, जिसको आप देख सकते हैं। लगभग हम 18 के आसपास वीडियो जो है वो बना चुके हैं LDR सुपरवाइजर से रिलेटेड। ये हमारा 19वां वीडियो है, और इस वाले वीडियो में हमने जो है वो ILA मॉड्यूल नंबर 13, 14, 15 जो है वो कवर करना है। तो इस महीने या नेक्स्ट महीने के पहले वीक में जो है ये इसकी ट्रेनिंग भी होनी है हम, लेकिन हम 21 के 21 मॉड्यूल जो है वो कवर करेंगे। पोषण अभियान, PM ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, ये पोषण की फुल फॉर्म है। जैसे कि आप मॉड्यूल नंबर 13 देख रहे हैं, गंभीर दुबलेपन को कैसे पहचाने व रोकें। दुबलेपन का मतलब होता है वेस्टिंग, बौनेपन का मतलब या ठिगनेपन का मतलब, ठीक है, वो तो है स्टंटिंग। यहाँ पे दुबलेपन का मतलब है वेस्टिंग, और यहाँ हम गंभीर दुबलेपन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैम और सैम, MAM मैम मॉडरेट एक्यूट मेल नरिशमेंट, ठीक है, और जो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है वो है सैम, सीवियर एक्यूट मेल नरिशमेंट। एस से सीवियर, ए से एक्यूट, और मेल नरिशमेंट होता है कुपोषण। तो ये गंभीर कुपोषण है, तो गंभीर दुबलापन एक तरह से जो है सीवियर जो वेस्टिंग की स्थिति है उसकी तरफ जो है, बहुत ही जो बच्चे एकदम पतले बच्चे हैं, दुबले पतले, ये उसकी श्रेणी है। इसमें आयु नहीं देखी जाती, इसमें जो है हाइट के अनुसार वजन कितना है ये देखा जाता है, ठीक है। तो ये गंभीर दुबलेपन की स्थिति ज्यादा खतरनाक है वेस्टिंग के मुकाबले, ठीक है। तो सरकार जो है वो वेस्टिंग के ऊपर ज्यादा जो है वो ध्यान दे रही है। लगभग पूरी दुनिया भर में लगभग 3,30,00,000 बच्चे जो हैं वो 5 साल से कम जो हैं वो मैम के शिकार हैं, और सैम के शिकार जो हैं वो लगभग 1,90,00,000 बच्चे हैं 5 साल से कम। ये मैं पूरी दुनिया का डाटा दे रहा था, इसमें कोई ज्यादा वो इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन हाँ, बौनेपन से ज्यादा खतरनाक है दुबलापन, क्योंकि ये मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इसलिए इसको हमें ध्यान में रखना है, इसको हमें पहचानना है और रोकना है। ये हमारा मॉड्यूल नंबर जो 13 है वो इसमें आता है। तो सभी सबसे पहले हम देखते हैं कि आंगनवाड़ी पे हम हर महीने सभी बच्चों का वजन लेते हैं, ठीक है। बच्चे जो हैं वो पीले रंग में भी आते हैं ग्रोथ चार्ट में, ठीक है, वो कुपोषित होते हैं। और जो हमारे जो बच्चे ऑरेंज जोन में आते हैं, ये लाल रंग लिखा है इसमें, तो ऑरेंज जोन के बच्चे को हम गंभीर कुपोषित बच्चों की श्रेणी में लेते हैं, लेकिन वहां पे हम आयु के अनुसार वजन लेते हैं, ठीक है। ये तो इन सभी गंभीर कुपोषित बच्चों में ज्यादातर बच्चे या तो दुबले होते हैं या नाटे हो सकते हैं। तो जब हम अपने WHO ग्रोथ चार्ट में जब हम प्लॉटिंग करते हैं, तो जो बच्चे ऑरेंज जोन में होते हैं, ठीक है, जो गंभीर कुपोषित बच्चे होते हैं, तो वो दो श्रेणी में हो सकते हैं। अंडरवेट तो वो है ही, हमने नाप लिया उनको वजन करके कि भाई उनका आयु के अनुसार वजन कम है। तो अब वजन कम के दो कारण हो सकते हैं, या तो बच्चे बहुत ही छोटे हैं हाइट में, ठीक है, या तो बच्चे नाटे हैं, मतलब छोटे हैं, क्या बोलते हैं, बौने हैं, या फिर वो दुबले हैं। तो नाटे का मतलब है या तो स्टंटिंग का शिकार है, या दुबले मतलब वेस्टिंग का शिकार है, ठीक है। अब आप यहां पर एक हमने नेक्स्ट पेज पे तस्वीर है जिसमें एक नॉर्मल लड़का है, एक दुबला है और एक नाटा बच्चा है। तो ये फोटो जो है ये नेक्स्ट पेज पे जो है ये इस तरह की फोटो दिखाई गई है, ठीक है। ये नॉर्मल बच्चा है, ये बच्चा जो है ये स्टंटिंग का शिकार है, ये बच्चा वेस्टिंग का शिकार है, दुबलेपन का और ये नाटेपन का। ये स्थिति ज्यादा खतरनाक है, ठीक है, ये स्थिति ज्यादा खतरनाक है ये स्थिति, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हमने दुबलेपन को जो है वो पहचानना है या नाटेपन को। सबसे पहले हम नाटेपन की बात करेंगे, फिर दुबलेपन की बात करेंगे। ये हमने मॉड्यूल नंबर 8 जो है, आप उसको जो है 6 हमारा जो मॉड्यूल नंबर है, ठीक है, 8 नंबर जो मॉड्यूल है, 7, 8, 9, उसमें 8 नंबर मॉड्यूल जो है वो जरूर देखें इस वाले मॉड्यूल को देखने से पहले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाटेपन, नाटेपन मतलब स्टंटिंग की। तो नाटेपन को कैसे नापा जाता है, उम्र के अनुसार लंबाई कितनी है, अगर वो कम आती है तो बच्चा जो है वो नाटा माना जाएगा। और दुबलेपन को कैसे माना जाएगा कि लंबाई के हिसाब से उसका वजन कितना होना चाहिए, अगर वजन लंबाई के हिसाब से कम है तो बच्चा फिर दुबला माना जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम नाटेपन की बात करें, तो नाटेपन को समझने के लिए बच्चे की लंबाई को उम्र के साथ मिलाकर देखने से पता लगता है कि बच्चा जो है वो
उम्र के हिसाब से सही लंबा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हमें पता लग जाएगा बच्चा जो है वो नाटा है या नहीं है। ठीक है, दुबलापन दिखाई देता है, इसे माप भी सकते हैं। ठीक है, तो नाटापन भी दिखाई देता है बच्चा जो है, पर वहां आयु हमें जरूर देखनी पड़ती है। दुबलापन तो क्लियर कट ही दिखाई देता है कि कोई बच्चा पतला है एकदम, तो वो जो है। अब बात करते हैं लंबाई के हिसाब से, अगर वजन कम है तो वो दुबला है। आंगनवाड़ी केंद्र पे वजन पहले से ही हम मापते हैं, ठीक है, लेकिन जब हमने अब जो है लंबाई मापनी भी शुरू कर दी है तो लंबाई हर महीने मापने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जल्दी बदलती नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको पता है एक साल में बच्चा जो है वो पैदा होने, मान लीजिए 3 किलो का बच्चा जन्म के समय पैदा होता है तो एक साल में उसका वजन 3 गुना हो जाता है, यानी 9 किलो। लेकिन अगर एक बच्चा जो है वो 50 सेंटीमीटर का बड़ा होता है तो एक साल में उसका वजन सिर्फ 75 सेंटीमीटर ही होता है, यानी सिर्फ 1.5 गुना ही बढ़ता है, दुगुना भी नहीं होता, 3 गुना भी नहीं होता। इसलिए हम जो है हर महीने जो है वो वजन जो है वो तो लेते हैं लेकिन लंबाई हर महीने नहीं नापते। हाँ, अभी एक डाटा है, शायद आने वाले टाइम में ये कंपलसरी, अभी तो फिलहाल हम ILA मॉड्यूल में जो कहा गया है ना कि इतने टाइम के बाद 3 साल तक के से कम उम्र के बच्चों का हर महीने वजन, उससे ऊपर का जो है वो 3 महीने में एक बार, इसी तरह से 2 साल तक के बच्चे का 3 महीने में और फिर 6 महीने में। बाद में शायद इसको कंपलसरी कर दें कि हर महीने आपने हाइट भी लेनी है, हर महीने आपने बच्चे का वेट भी लेना है। ठीक है, पर फिलहाल तो ये डाटा बताया है। तो ये 6 महीने में हम, जैसे कि बच्चे का एक साल, यहाँ पे थोड़ा सा ये 2 साल है, इसको आपने ठीक कर लेना। 2 साल तक तो हमने हर 3 महीने में जो है बच्चे की लंबाई नापनी है और 2 साल के बाद फिर हमने 6 महीने, 2 से लेके जो भी बच्चा बड़ा है ना, 2, 3, 4 साल, 5 साल तक का, फिर हमने उसको 6 महीने में एक बार नापना। ये हमने मॉड्यूल नंबर 8 में देखा था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना। वजन जो है वो जल्दी घटता बढ़ता है, ठीक है, जब तक बच्चा 3 साल का नहीं हो जाता। ठीक है, इसलिए हम उसको हर 3 महीने में, मतलब हर महीने नापते हैं वजन को। 3 साल के बाद जो है फिर वजन जो है वो 3 महीने में एक बार है, पर हम हर महीने ही नापते हैं वजन को। ठीक है, और ठीक है, तालिका के हिसाब से जो नेक्स्ट पेज पे जो है वो चार्ट दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमने जो देखना है कि भाई बच्चा जो है लंबाई और वजन के हिसाब से जो है वो क्या वो दुबलेपन का शिकार है या नहीं है। 6 माह से 5 साल के बच्चे जो पीले रंग की श्रेणी में आते हैं वो मामूली दुबलेपन के शिकार हैं, और जो जो लाल रंग या ऑरेंज रंग की श्रेणी में आते हैं वो गंभीर दुबलेपन के शिकार हैं। तो जिसको मामूली दुबलापन कहते हैं वो जो है वो मैम के शिकार हैं। ठीक है, मैम यानी कि मॉडरेट, मॉडरेट मतलब होता है हल्का, एक्यूट मैलनरिशमेंट। ठीक है, और लाल रंग की श्रेणी जिसको गंभीर दुबलापन कहते हैं उसको बोलते हैं सिवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन। ठीक है, तो जो है ये गंभीर दुबलापन बोलते हैं इसको, सैम को, और मैम बोलते हैं मामूली दुबलेपन को। तो ये जो गंभीर दुबले वाले बच्चे हैं इन पे खास नजर देखनी है, इन्हीं को हमने ढूंढना है और इनके लिए खास जो है वो डाटा है। पता करें फिर ये सर्वे से हमारे के भी कितने परसेंट बच्चे जो हैं वो हमारे, तो जैसे हम नाटापन देख रहे हैं, नाटापन हम निकालने के लिए हमने क्या करना है, आयु के अनुसार लंबाई हम नापते हैं। तो 2 साल तक के बच्चों का, जैसे जन्म के समय बच्चा आमतौर पे लड़का है तो वो 49.9 सेंटीमीटर का है तो नॉर्मल है। ठीक है, अगर उसकी लंबाई 46 सेंटीमीटर आ जाती है, 46.1 है, तब भी वो नाटेपन का जो है वो शिकार नहीं माना जाएगा। जैसे ही बच्चा 46 सेंटीमीटर का हो जाएगा लड़का, तो वो नाटापन, नाटा बच्चा कहलाएगा। उसी तरह से लड़की अगर 45.3 सेंटीमीटर की है तो वो जो है वो नाटी मानी जाएगी, 45.4 पे वो नाटी नहीं मानी जाएगी, 49.1 उसकी आदर्श लंबाई है। इसी तरह से हमें कुछ माइलस्टोन्स रखने हैं, जैसे अगर लड़का है तो 75.7 से 71 तक वो नाटा नहीं माना जाएगा, जैसे 1 साल का लड़का 71 सेंटीमीटर से कम का होगा तो वो नाटा बच्चा माना जाएगा, और लड़की के मामले में ये 68.8 सेंटीमीटर में वो जो है वो नाटापन का शिकार मानी जाएगी, मैं ये नाटी मानी जाएगी, 68.9 तक वो से लेके और 74 के बीच में वो जो है आदर्श मानी जाएगी। इसी तरह से 2 साल का बच्चा फिर वो 81.2 और 87.8 के बीच में अगर है तब वो नॉर्मल है, और 80 से 86 अगर लड़की है तो वो नॉर्मल है। तो ये कुछ हमें जो स्टैंडर्ड है कि भाई 1 साल में 2 साल में कितनी हाइट बढ़ती है, तो ये हमने नाटापन का वो निकालने के लिए। फिर अगर हम बात करें गंभीर दुबलापन, दुबलापन ये वाली दुबलापन की श्रेणी है, तो इसमें हम देख लेते हैं जैसे लड़कों की बात की गई है, तो अगर कोई बच्चा, ठीक है,
अगर किसी बच्चे का ऊंचाई के लंबाई के हिसाब से वजन कितना है, अगर मान लीजिए किसी बच्चे का वजन जो है वो 46 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो ये आदर्श लंबाई जो है उसकी 2.6 किलो होनी चाहिए, सॉरी जो वजन है, अगर 2 किलो से कम है फिर वो जो है वो गंभीर दुबलेपन का शिकार है। यहाँ पे जो ये बताया गया ये गंभीर दुबलेपन का वो बताया गया, ठीक है, ना कि जो है सामान्य दुबलेपन या जो जिसको हम मॉडरेट दुबलापन कहा जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से वजन के हिसाब से भी ये वजन दिया गया लड़कियों के मामले में और लड़कों के मामले में, ठीक है, लगभग सेम ही है डाटा अगर आप देखें तो। ये हमारे पास चार्ट है, ये टेक अवेज में भी चार्ट है, हमें इससे पता लग जाएगा। और अब तो आपके पास जो है वो जो कैश का मोबाइल है उसमें तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डला है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। बच्चे दुबले या नाटे क्यों हो जाते हैं, सबसे बड़ा कारण ये है कि बच्चे क्यों नाटे या दुबले हो जाते हैं। सबसे पहले नाटेपन के कारण, ये एग्जाम में आ सकता है, ये कारण आपने ध्यान में रखने हैं। एक तो नाटे बच्चे होने का कारण दो बताए हैं, एक बार बार अगर बच्चे बीमार पड़ते हैं, दूसरा अगर उनको पर्याप्त खाना नहीं मिलता, ठीक है। बौना या नाटे होने के दो ही कारण है, या तो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं शुरुआत के वर्षों में, या फिर उनको पर्याप्त जो पोषण या खाना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। ये हमने जो है वो सीखा था पहले मॉड्यूल में, पिछले जो मॉड्यूल थे। फिर अगर दुबलेपन के शिकार के क्या कारण है, ये एकदम से अभी हाल ही में कोई बीमारी हुई हो, जैसे टीबी है, खसरा है, या फिर कोई गंभीर बीमारी है, जैसे कई लोग बच्चों को जो है वो दिल में छेद होता है, हृदय रोग होता है, या लीवर से रिलेटेड बीमारी होती है, या कोई कैंसर है, तो इस तरह से जो है वो दुबलेपन के कारण हो सकते हैं। इसके अलावा पारिवारिक परिस्थिति, ठीक है, जैसे कि परिवार में विवाद है, लंबे समय से माता पिता बीमार हैं, या ज्यादा गरीबी है, या शराब पीने की आदत है, या ज्यादा बच्चे हैं उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो पाना, या लिंग भेदभाव, जैसे लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, तो इस तरह के कारण भी हो सकते हैं नाटेपन और दुबलेपन के कारण। ये सामाजिक कारण है कुछ, ठीक है, अगर कहीं ऑप्शन में आपके पेपर में ये कारण दिए हों तो आप कहीं इसको डिनाई मत कर देना कि नहीं जी ये कारण नहीं है, ये कारण भी है, ये सामाजिक कारण है नाटेपन और दुबलेपन के। बाकी नाटेपन का कारण और ये जो है ये दुबलेपन के कारण है। आगे चलते हैं कि क्यों हो जाते हैं, ये हमारा सवाल आ गया, बच्चे दुबले या नाटे क्यों हो जाते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। फिर ये एक यहाँ पे लिखा है, ऐसे बहुत क्या ऐसे कुछ परिवार है जिनमें गंभीर दुबलेपन वाले बच्चे होने की संभावना अधिक होती है, क्वेश्चन पूछा गया है। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन ये है कि हम दुबलेपन वाले बच्चों के लिए क्यों चिंतित है। हमें नाटे बच्चों से ज्यादा दुबले जो बच्चे हैं ना जिनमें गंभीर दुबलापन है वो ज्यादा खतरनाक है। वो क्यों? क्योंकि दुबलापन जो है वो बुरे स्वास्थ्य और कमजोर शरीर को दर्शाता है, जिसकी वजह से शरीर में संक्रमण से लड़ने की क्षमता नहीं रहती। तो जो नाटे बच्चे हैं वो एक कमजोर नहीं होंगे, मतलब जो शरीर उनका बेशक हाइट कम होगी लेकिन उनका शरीर जो है बिल्कुल पतला नहीं होगा, लेकिन दुबले बच्चों का जो शरीर है वो बिल्कुल कमजोर दिखता है और स्वास्थ्य भी बुरा दिखता है, और उनमें जो संक्रमण है इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता भी बहुत कम होती है, और दुबलापन जो है वो एक इमरजेंसी की स्थिति है, ठीक है। ऐसे बच्चों को इलाज और डॉक्टर की जो है सलाह की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर ऐसे बच्चे बीमार पड़े, बौने बच्चे बीमार पड़ते हैं तो वो रिकवर भी जल्दी हो जाते हैं, दुबलेपन वाले बच्चे जो हैं वो रिकवर की संभावना उनकी कम होती है और वो एक बड़ी खतरनाक स्थिति में पहुंच सकते हैं, ठीक है। और हमें जानना जरूरी है कि वो बच्चा दुबला क्यों है, कहीं कोई बीमारी है या कोई जो है या कोई गंभीर स्थिति है, ठीक है। इसलिए दुबलापन जो है वो बौनेपन से ज्यादा खतरनाक है। अब हम दुबलेपन वाले बच्चों के लिए क्यों चिंतित हैं, क्योंकि नाटे बच्चों की तुलना में दुबलेपन वाले बच्चों की बीमारियां जैसे दस्त वगैरह है, अगर मान लीजिए नाटे बच्चे और दुबले बच्चे दोनों को दस्त लगती है, एक दुबलेपन वाले बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं, दूसरा दोनों को मान लो दस्त लगती है, तो ये जो दुबला बच्चा है इसकी मृत्यु की संभावना नाटे बच्चे के मुकाबले ज्यादा हो जाती है। इसलिए दुबलापन जो है वो ज्यादा खतरनाक है, जितना ज्यादा दुबलापन होगा मृत्यु की संभावना उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। क्या सभी दुबलेपन वाले बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाने की आवश्यकता होती है? तो 6 महीने से 6 साल के किन बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाने की आवश्यकता होती है? एक, वो लंबाई के अनुसार जब हम वजन लेते हैं, और ऐसे बच्चे जो लाल क्षेत्र में आते हैं या ऑरेंज जोन में आ जाते हैं जिन्हें गंभीर दुबलापन है, उनको अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। बच्चों के भूख का परीक्षण करके देखें, जिन बच्चों को भूख नहीं लग रही है
उनको भी आवश्यकता है। जो पिछले कई दिनों से अगर कोई दुबला, जो गंभीर दुबलेपन के शिकार बच्चे को बुखार है तो भी उसको अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। अगर उसको उल्टी दस्त हो रही है तो भी उसको अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। ठीक है, अगर दौरे पड़ रहे हैं और वो बच्चे बिल्कुल सुस्त हो गए हैं तो भी उसको अस्पताल में आवश्यकता है भर्ती कराने की। अगर गंभीर दुबलेपन का शिकार बच्चे में खून की कमी है तो भी उसको आवश्यकता है। निमोनिया हो रखा है तब भी है, या किसी तरह की गंभीर बीमारी है तब भी आवश्यकता है। और अगर हाथ पैरों में सूजन हो और सूजन वाली जगह दबाने पर गड्ढा रह जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो भी गंभीर दुबलेपन वाले बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता है। ठीक है, उन गंभीर दुबले बच्चों के लिए क्या करें जो अस्पताल में भर्ती नहीं हुए? अगर मान लो भर्ती नहीं हुए हैं, ठीक है, तो फिर उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? अगर बच्चा बीमार है तो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाएं, और अगर 6 महीने से कम उम्र का बच्चा है तो बच्चों को डॉक्टर या एनआरसी, एनआरसी मैंने आपको पहले ही फुल फॉर्म बता दिया, न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर है ये। ठीक है, पोषण पुनर्वास केंद्र, एनआरसी की फुल फॉर्म है पोषण पुनर्वास केंद्र, न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर। एन से न्यूट्रिशन यानी पोषण, रिहैबिलिटेशन मतलब पुनर्वास, और सेंटर मतलब केंद्र, तो एनआरसी की फुल फॉर्म ये है। फिर है जैसे कि बात की गई है दुबले बच्चों का वजन बढ़ाने में कैसे मदद करें। अब ये तो हो गया कि अस्पताल में नहीं है, फिर उनका वजन कैसे बढ़ाया जा सकता है? अगर 6 माह से अधिक उम्र का बच्चा है, ठीक है, अगर 6 महीने से अधिक उम्र का बच्चा है और वो बीमार नहीं है तो फिर उसको ऊपरी आहार खिलाने की आवश्यकता है। ठीक है, और धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है। घर में जो भी खाना है उसको खिलाना चाहिए, विविधता हो खाने में, ज्यादा उसको वसा यानी फैट्स खिलाना चाहिए, घी या घी इस तरह की चीजें ज्यादा बार खिलाएं, कम से कम 5 से 6 बार दिन में प्रतिदिन, और 2 साल तक लगातार उसको दूध जो है वो जारी रखना चाहिए। साथ ही साथ साफ सफाई का ध्यान दें और कमजोर होने का जो है वो बच्चे का कारण का पता लगाएं। साथ ही साथ सभी टीके और विटामिन ए देना जो है सुनिश्चित करना चाहिए अगर दुबले बच्चे का हमने वजन बढ़ाना है। और ये किस केस में है? ठीक है, 6 महीने से ज्यादा उम्र वालों के लिए, और 6 महीने से कम उम्र वाले बच्चों के लिए छः जो है वो डॉक्टर या एनआरसी की सलाह लें, और बीमार है तो अस्पताल में भर्ती कराएं। ठीक है, तो ये हमारे पास है जो बच्चे अस्पताल में भर्ती नहीं हुए हैं। अब उन बच्चों का क्या करें जो ग्रोथ चार्ट में लाल रंग या ऑरेंज जोन की श्रेणी में आते हैं लेकिन वो दुबलापन का शिकार नहीं है? ठीक है, आयु के अनुसार जो है वो उनका वजन कम है, ठीक है, लेकिन उनमें दुबलापन नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर वो दुबले नहीं है और फिर भी लाल जोन में आ रहे हैं तो उसका एक ही कारण हो सकता है, वो नाटेपन का शिकार है। ठीक है, उन बच्चों का क्या किया जाए जो वृद्धि निगरानी चार्ट में पीले या लाल रंग की श्रेणी में तो है लेकिन उसमें दुबलापन नहीं है? और जैसा कि ऐसे बच्चे जो कि नाटे हैं लेकिन दुबले नहीं है, जिनका वजन कम है क्योंकि उनकी लंबाई कम है, ठीक है, तो फिर ये कंफर्म है कि जो बच्चे पीले या ऑरेंज जोन में आ रहे हैं और दुबले नहीं है, तो दुबले नहीं है तो यानी कि वो फिर क्या होंगे, क्यों उनका वजन कम है? फिर क्योंकि वजन कम है अगर आयु के अनुसार, तो फिर वो तभी आ रहे हैं ना ऑरेंज जोन में या पीले जोन में, तो उसका एक ही कारण हो सकता है, फिर उनकी लंबाई कम है यानी वो नाटेपन का शिकार है। ऐसे नाटे बच्चों की खोई लंबाई पाना जो है मुश्किल है। आमतौर पे नाटे बच्चों की फिर क्या, शुरुआत में जो है अगर एक बार वो नाटे हो गए तो फिर वो लंबाई पाना जो है वो मुश्किल हो जाता है, और नाटे बच्चों के मुकाबले जो है दुबले बच्चों के बीमार पड़ने और मृत्यु होने की संभावना जो है वो अधिक रहती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ भी लिया है, दुबले बच्चों की ज्यादा संभावना रहती है नाटे बच्चों के मुकाबले। दुबले और नाटे दोनों तरह के बच्चों की निगरानी रखने की आवश्यकता है, उनको ऊपरी आहार दें, समय से टीकाकरण करवाएं, पेट में कीड़े मारने के लिए दवाइयां दें, विटामिन ए सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, और हर माह जो है वो जांच करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बच्चे वजन बार बार उनका कम हो रहा है, बीमार पड़ रहे हैं और दुबले हो जाएंगे तो इनको तुरंत अस्पताल में भेजना चाहिए। तो मेन यही है कि भी नाटे बच्चों की स्थिति उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है जितनी दुबले बच्चों की होती है, और अगर बच्चे जो हमने ग्रोथ चार्ट में देखते हैं जो हमारे ऑरेंज या येलो जोन के बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं अगर वो या तो बिल्कुल पतले होंगे इस वजह से वो ऑरेंज या येलो जोन में, अगर वो नहीं है तो फिर यानी कि वो नाटे हैं। ठीक है, नाटापन जो है वो प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होता है, दुबलापन है, बच्चे को हम अच्छी तरह से पोषण दें, बीमारी को उसकी ठीक करें तो फिर वो दोबारा से जो है हष्ट पुष्ट जो है वो बच्चा हो सकता है। ठीक है,
ये है, ये वाले बच्चे जैसे ग्रीन जोन है, तो यहाँ पे पीले और जो ऑरेंज जोन के बच्चे हैं ये बच्चे नाटेपन का शिकार हैं, ठीक है। अगर दुबला नहीं है, जैसे ये बच्चा दुबला नहीं दिख रहा, तो यानी फिर वो नाटेपन का शिकार है। सभी से लंबाई और वजन नापने का अभ्यास करवाएं। ये जो है ये इस तरह से जो है हम वजन नाप सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग तरीके हैं। ये हाइट नापने के लिए जो है वो स्टेडियोमीटर है। इसके अलावा वजन नापने के लिए बड़े बच्चों को ऐसे नाप सकते हैं, जो बैठ सकते हैं उनका ऐसे नापा जा सकता है, और बिल्कुल ही जन्म नवजात जो है उनका वजन जो हम इस तरह से नाप सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं है। इसमें कार्य बिंदु है। कार्य बिंदु का मतलब वही है कि सभी बच्चों का जो है वो लंबाई और जो वजन नापें, ठीक है। जो लाल श्रेणी है उनको न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर में रेफर करें, NRC में, ठीक है, या नजदीकी अस्पताल में। और खास तौर पे गंभीर दुबलेपन को जरूर पहचानें और उनको जो है वो अस्पताल में जरूर रेफर करें। और साथ ही साथ जो है आपको क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है, अच्छे से खाना खिलाएं, फॉलोअप करें, ठीक है, और विटामिन ए दें। बीमार पड़े या वजन कम हो तो रेफर करें, ठीक है। तो ये हमारा था गंभीर दुबलेपन को कैसे पहचानें, ये हमारा 13 नंबर मॉड्यूल। अब 14वां नंबर मॉड्यूल है बीमारी के दौरान शिशु को कैसे आहार दें, और 15वां नंबर मॉड्यूल है स्तनपान संबंधी समस्याओं में माताओं को सहयोग। तो अब हम देखते हैं हमारा मॉड्यूल नंबर 14, बीमारी के दौरान शिशु का आहार कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब तीन तरह की चीजें आती हैं बीमारी के दौरान शिशु का आहार, या अगर बच्चा बीमार है तो हमें क्या उसको आहार देना चाहिए, ठीक है। शिशुओं को केवल स्तनपान सुनिश्चित कराने में हम कितने सफल रहे हैं, तो ये कुछ जो है ये मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है, कुछ सवाल हैं, ठीक है। जैसे ये M4 14 मतलब मॉड्यूल 14 है, 1F मतलब ये फैसिलिटेटर जो है जो पढ़ा रहा है ये पेज उसकी तरफ रहेगा। दूसरा सवाल है तो वो जो ऑडियंस वाला पार्ट है वो क्वेश्चन सबसे पहले उनसे पूछेगा केवल स्तनपान का क्या मतलब है, तो वो कितना जानते हैं जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं। तो अगर केवल और केवल माँ का दूध पिलाया जाए, ऊपर से कुछ भी ना दें, पानी भी ना दें, तो उसको बोला जाता है केवल स्तनपान। तो क्या माताएं शिशुओं को लगातार केवल स्तनपान क्यों नहीं कराती, ठीक है। तो कई बार जो है वो उनको लगता है कि भी गर्मी में जो है वो बच्चे को पानी पिला देना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या स्थिति है कि अगर ज्यादा से ज्यादा स्तनपान कराया जाए, पानी नहीं पिलाया जाए, तो ठीक है, यहाँ पे फिर हमें बताना पड़ता है उनको। फिर बोतल का इस्तेमाल खतरनाक क्यों है, इसके बारे में भी बताया था पिछले वाले मॉड्यूल में कि बोतल और निप्पल को पूरी तरह साफ नहीं किया जा सकता, इससे फिर शिशु को जो है वो दस्त हो सकती है। और केवल स्तनपान कराने के लिए जो है वो क्या कार्य बिंदु जो थे वो पिछले मॉड्यूल में जो है स्तनपान वाले मॉड्यूल में तय किए गए थे, ठीक है। तो हमें क्या करना था, एक तो हमें होम विजिट करना था, ये पता लगाना कि कहीं कोई आहार पहले कोई दे तो नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर कोई दे रहा है तो उसको ऐसा करने से रोकेंगे, साथ ही साथ माँ के अलावा कुछ और तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ और दे रहे हैं तो उससे दस्त होने की संभावना रहती है, ठीक है। बोतल का दूध अगर पिला रहे हैं तो उसको भी बंद करना है, ठीक है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद माता से मिलना, ठीक है, जन्म के तुरंत बाद घर के पहले दौरे में मुलाकात करना, ठीक है, 6 माह से पहले जो है वो माता से मिलना, 6 माह के बाद कभी भी, जब भी शिशु जन्म के बाद या पहले 6 माह में जब भी कभी हो शिशु या माँ से अस्वस्थ हैं तो फिर वो जरूर मिलना। इसके अलावा इन दिनों में VHS, ND दिन या जो भी है इनमें मिलना, तो करीब 6 महीने, जब 3 महीने का बच्चा होता है तो तब भी जो मिलना है वो जरूरी है। एक तरह से ये ना रिविजन है, ठीक है। केवल स्तनपान का क्या मतलब है, क्या अब हमारे गाँव में अधिकतर बच्चे जो क्या स्तनपान करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं तो क्यों नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। और क्या बच्चों को बोतल से दूध पिलाया जा रहा है, क्या हम 3 से 4 माह के परिवार से जो है वो नियमित रूप से मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के कुछ सवाल हैं जो शुरू किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिशुओं को ऊपरी आहार सुनिश्चित कराने में हम कितने सफल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई, एक तो हो गया हमारा कौन सा सवाल, ये सवाल हो गया स्तनपान का। तो 6 महीने से छोटे बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, केवल स्तनपान की बात की गई है। फिर हम 6 महीने से ऊपर वाले बच्चों को पक्का पता लगाएंगे, भाई 3 सवाल जो है हमने पूछने हैं, ठीक है, कि भाई क्या हमने जो है वो फॉलोअप किया, क्या 5 महीने के बच्चों के यहाँ हम जो हैं जिन्होंने कंप्लीट कर लिया, हमने पिछले मॉड्यूल में पढ़े थे स्तनपान वाले में, कि क्या हम उनके घर गए, गृह भ्रमण किया,
जिनके आगे एक से पांच में पांचवें कॉलम जो है कंप्लीट भरा है, यानी जिन्होंने जिन बच्चों के 5 माह कंप्लीट हो गए, छठे में लगे हैं, तो वहाँ हमें होम विजिट करना है। तो वहाँ हमने पूछना भी है कि स्तनपान के अलावा कोई और तो नहीं दे रहे हैं, और साथ ही साथ उनको बताना है कि 6 महीने जैसे कंप्लीट होंगे तो उन्हें ऊपरी आहार शुरू करना है। साथ ही साथ उसके बाद 5 महीने के बाद जब हम 6 से 8 महीने के बच्चे पे भी ध्यान केंद्रित रखेंगे, ठीक है, हमने पढ़ा भी था उसमें कि जैसे 20 मिनट का होम विजिट है और अगर वो सही तरीके से करे तब तो 5 मिनट में हमारा जो है वो होम विजिट का कार्य जो है वो कंप्लीट हो सकता है, अगर 6 से 8 माह में अगर वो बिल्कुल सही तरीके से बच्चे को ऊपरी आहार दे रहे हैं। ठीक है, तो शिशु को स्तनपान के अलावा क्या कोई और आहार दे रहे हैं, क्या खा रहा है बच्चा, कितना खा रहा है, ठीक है, उसे कौन खिला रहा है, ठीक है, कटोरी के अंदाज से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 24 घंटे में बच्चे ने कितना खाया। ठीक है, साथ ही साथ जो है वो परिवार को सलाह भी देंगे, और शिशु अगर बीमार के समय और बीमारी के बाद जो है क्या उसको सामान्य भूख के अनुसार आहार दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, साथ ही साथ अर्ध ठोस आहार दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। गृह भ्रमण की जो डेट है वो होम विजिट रजिस्टर नंबर जो 8 है उसमें लिखेंगे। मेन ये है कि मेन क्वेश्चन यही है कि भाई हमने कितना हम जो है वो सफल रहे हैं बच्चों को, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 9 महीने का बच्चा जो है वो दिन भर में 2 कटोरी यानी 200 ग्राम खाएगा, ठीक है, और 6 माह की उम्र में जो है शिशुओं को ऊपरी आहार जो है वो देना शुरू किया जाता है, और 10 में से ऐसे कितने बच्चे जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये मेन इसका जो टॉपिक का नाम है, पहले हम नाम एक बार दोबारा से देख लेते हैं, बीमारी के दौरान शिशु का आहार। अभी तक जो हम बातें कर रहे हैं वो सारी बातें जो है वो एक तरह से रिवीजन है, फॉलोअप है, ठीक है। जब शिशु बीमार होता है तो उसके आहार के बारे में हमारे समुदाय के लोग क्या करते हैं, ठीक है, तो ये कुछ जो है ये प्रश्न है। बीमारी के समय जो है शिशु को स्तनपान करवाने के बारे में क्या सोचते हैं लोग, ठीक है, क्या कहीं और कुछ और आहार तो नहीं देते दूध पिलाने की जगह, या कुछ खिलाना बंद तो नहीं कर देते जो पहले से दे रहे थे, या फिर कितने दिनों के बाद शिशु को ठीक से ऊपरी आहार देना दोबारा से शुरू करते हैं। तो ये कुछ सवाल है, अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ठीक है। अब 2 तरह के बच्चे हैं हमारे पास, एक 6 माह से कम उम्र के बच्चे और 6 माह से ज्यादा उम्र के बच्चे। तो उन्हें क्या क्या खाना देती है माता, ठीक है, बीमारी के ठीक होने के बाद वो क्या खाता है, और अगर खुद माँ बीमार पड़ जाए तो क्या वो बच्चे को स्तनपान जारी रखती है या नहीं रखती है। तो 3 चीजें हैं, ठीक है, अगर बच्चा बीमार है, 6 महीने से छोटा बच्चा है तो अब उसको क्या देना है, ठीक है, 6 महीने से बड़ा बच्चा है, 6 महीने से 2 साल का बच्चा है तो उसको क्या खाने में देना है, और अगर खुद माँ बीमार है तो फिर उस स्थिति में क्या बच्चे को स्तनपान करवाएगी। तो अब देख लेते हैं, सबसे पहले ऊपरी आहार की कमी का सबसे आम कारण है बीमारी, ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे हम, जैसा कि देखा है कि शिशु 6 माह से कम उम्र का हो या 6 माह से अधिक उम्र का हो, स्तन या ऊपरी आहार में कमी का एक सबसे आम कारण है बीमारी। अगर बच्चा बीमार है तो वो दूध भी कम पी सकता है और ऊपरी आहार भी जो है वो कम खा सकता है, उसको भूख भी कम लगेगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं, जब शिशु बीमार पड़ते हैं ना तो वो जो आहार लेने से मना कर सकते हैं जिसका मुख्य कारण है उनको भूख नहीं लगती। बड़े बड़े लोगों को भी जब बीमार होते हैं तो भूख कम लगती है, तो उसी तरह से बच्चों को भी जो है वो भूख कम लगती है। तो इसका नतीजा ये होता है कि केवल स्तनपान और ऊपरी आहार जो है वो कम में कमी होने लगती है। तो दूध भी कम पीना शुरू करता है बच्चा, ऊपरी आहार भी कम खाना शुरू कर देता है। केवल शिशु नहीं, बड़े लोगों को भी बीमारी के दौरान कम भूख लगती है। तो बीमारी से जैसे ही बच्चा ठीक होता है ना तो फिर उसको ज्यादा भूख लगनी शुरू हो जाती है, भूख महसूस करना वो शुरू कर देते हैं। अब कुछ मान्यताएं हैं, आमतौर पर मान्यता यह है कि खाने की कुछ ऐसी चीजें हैं जो बीमारी के दौरान या बीमारी के बाद जो है बच्चों को नहीं देनी चाहिए, ठीक है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, बीमारी के दौरान बच्चे को हल्का और आसानी से पचने लायक भोजन देते हैं, चाहे उसको कितनी ज्यादा भूख क्यों ना लगी हो। तो ये भी एक चलन है बीमारी के दौरान, और उसके बाद ऐसा भोजन शिशु की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता और उसकी सामान्य बढ़त को रोक सकता है। तो अगर हम उसको थोड़ा थोड़ा देंगे खाना, और बीमारी के दौरान भी और बाद में भी, तो फिर उसकी जो जो बढ़त है, जो उसकी वृद्धि है, वो उसमें कमी आ सकती है अगर हम उसको उसके खाने में कमी करते हैं या हल्का खाना या ठीक है हल्का भोजन देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं, ये थोड़ा छोटा बना है, मैं आपको पढ़ पढ़ के बता देता हूँ। केस है यहाँ पे कुछ
केस है, मैं आपको केस पढ़ता हूँ कि 6 महीने से कम उम्र का जो शिशु है बीमारी के दौरान क्या करेगा वो और माँ को क्या करना चाहिए। तो 6 महीने से कम उम्र का शिशु जब बीमार होता है तो क्या होता है, जब शिशु बीमार होता है 6 महीने से कम छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, तो वो एक तो स्तनपान कम करना शुरू कर सकता है, कम दूध पिएगा और कई बार तो छोड़ भी देता है। और अगर शिशु बहुत बीमार नहीं है किंतु चिड़चिड़ा हो रहा है तो हो सकता है वो बार बार स्तनपान करना चाह रहा हो, शिशु को प्यासा होगा विशेषकर तब जब उसे बुखार हो। ठीक है, तो ये शिशु चिड़चिड़ा हो सकता है या दूध पीना कम कर सकता है या छोड़ सकता है अगर वो 6 महीने से छोटा बच्चा है और बार बार स्तनपान करना चाह रहा होगा, और कई बार जब बुखार होता है तो प्यास भी लगती है बच्चे को। तो माँ को क्या करना चाहिए, स्तनपान ही शिशु के लिए सबसे अच्छा आहार है। माता को चाहिए कि शिशु को ज्यादा से ज्यादा जो है वो स्तनपान करवाएं, क्योंकि इससे एक तो उसकी प्यास भी बुझेगी और उसको जरूरी पोषण भी मिलेगा। तो उस स्थिति में अगर 6 महीने से कम उम्र का बच्चा बीमार है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, स्तनपान ही एकमात्र जो है वो उसका जो आहार है और वो हमें कराते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं है। अगर 6 माह से कम उम्र का बच्चा जो है वो एक तो ये बीमार पड़ गया बीमारी के दौरान, वो इस तरह की अगर वो बीमारी के बाद क्या करेगा, वो ज्यादा भूखा होगा और बार बार दूध पीना चाहेगा जब वो ठीक हो जाता है, उसके बाद की बात की गई है 6 महीने से छोटा बच्चा। तो माँ को क्या करना चाहिए, माँ को शिशु की मांग के अनुसार उसको स्तनपान कराना चाहिए। अगर वो ज्यादा बार पीना चाह रहा है तो उसको ज्यादा बार पिलाना चाहिए। अगर माता नियमित रूप से शिशु को स्तनपान करा रही है तो आवश्यकता के अनुसार अधिक दूध भी बना पाएगी। ठीक है, तो अगर वो नियमित रूप से कर रही है दूध स्तनपान तो दूध भी ज्यादा बनेगा उसको। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा केस है, ये तो हमने ऊपर दो केस की बात की, एक जब बच्चा बीमार है और एक जब बच्चा ठीक हो जाता है 6 महीने से छोटा। अब हम बात करते हैं 6 महीने से बड़ा बच्चा। तो 6 महीने से बड़ा बच्चा क्या है, बीमार होता है तो अगर यदि शिशु बीमार हो जाता है 6 महीने से 2 साल का बच्चा, तो एक तो ऊपरी आहार शुरू जो किया गया है वो कम जो है वो खाना कम कर सकता है, जो भी हमने उसको ऊपर का शुरू दिया है स्तनपान के अलावा, और छोड़ भी सकता है और बार बार स्तनपान की मांग कर सकता है क्योंकि उसने ऊपरी आहार कम कर दिया है तो उसको दूध शायद वो ज्यादा पीना चाहेगा। तो माँ को क्या करना चाहिए, यदि शिशु की भूख कम हो गई है तो माता को उसको फिर भी थोड़ा थोड़ा खाना जो है वो खिलाते रहना चाहिए और अलग अलग तरह का खिलाना चाहिए और जो भी उसको पसंद है और जो भी उसको आसानी से पच सकता है वो खाना खिलाना चाहिए, और शिशु के मांग के अनुसार जो है वो स्तनपान जो है कराते रहना चाहिए। तो स्तनपान भी जारी रखें और थोड़ा थोड़ा खाना खिलाना भी जारी रखें। ये तो तब है जब बच्चा बीमार है। अगर बीमारी के बाद क्या करेंगे, बीमारी के बाद बीमारी से ठीक होते ही शिशु की जो भूख बढ़ जाएगी और वो ज्यादा खाना खाना चाहेगा। यदि शिशु को भूख नहीं लग रही है तो इसका मतलब है अभी भी वो ठीक नहीं हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो अगर उसको भूख लग रही है तो समझो वो ठीक हो गया, नहीं लग रही है तो उसका मतलब ठीक नहीं हुआ। माँ को क्या करना चाहिए, माँ को शिशु को भूख के अनुसार आहार देना चाहिए, जितने उसको भूख लगे उतना खाना दे। शिशु के खाने को कम करने की जरूरत नहीं होती, बीमारी से ठीक होती शिशु को ज्यादा खाने की जरूरत होती है। ठीक है, और उससे ज्यादा खाना देना चाहिए जितना वो बीमारी से पहले खाता था। अगर बीमारी से पहले वो 2 रोटी खाता था, ठीक है, बीमारी के दौरान तो वो 1 कर देगा उसको, तो बीमारी के बाद उसको 3 रोटी खिलानी चाहिए, क्योंकि शिशु की शरीर जो है वो बीमारी के दौरान जो वो कमी है उसकी भरपाई होगी तभी। समझ आया, तो अगर 2 रोटी खाने वाला बच्चा है और बीमारी के दौरान 1 खाता है तो जब बीमारी से ठीक हो जाए उसको 3 खिलाना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि उसका भोजन जो है वो ज्यादा खिलाना चाहिए, जितना संभव हो माता उतनी तरह का खाना खान पान जो है वो शिशु को दे। शिशु को सभी तत्व मिलने से तरह तरह का आहार मदद करेगा, जिससे उसकी बीमारी ठीक होने में और बढ़ने के लिए जरूरत, तो अलग अलग तरह के पोषक तत्व उसको देने चाहिए। ठीक है, तो ये 2 कंडीशनें हैं। ठीक है, और ये तो हो गया 6 महीने के बच्चा जब बीमार है और जब बीमारी के बाद क्या करना चाहिए। 6 महीने से 2 साल के बच्चा बीमार है तब क्या करना चाहिए माँ को, और बच्चा क्या करेगा, और फिर जब ठीक हो जाए तो बच्चा क्या करेगा और माँ को क्या करना चाहिए। अगर माँ खुद बीमार है, माँ को अपने बीमारी के दौरान शिशु की मांग के अनुसार ही स्तनपान करवाते रहना चाहिए। माता को अधिकतर बीमारियों में जो है शिशु को पर जो है उसका माँ का जो अगर माँ बीमार है तो शिशु पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बच्चे को स्तनपान करवाते रहना चाहिए। हाँ, HIV अगर है, एड्स HIV से संक्रमित है तो फिर शिशु को संक्रमण की संभावना रहती है। ऐसे मामलों में 6 माह तक केवल स्तनपान कराना जरूरी है। स्तनपान के साथ तो अन्य आहार देने पर बच्चे को माँ का संक्रमण ज्यादा आसानी से लग सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है माँ को अपना इलाज जो है ART करवाना
करवाते रहना, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट जिसे कहा जाता है, एआरटी जो इलाज है एड्स में करा करा जाता है। तो एड्स के अलावा तो ज़्यादातर बीमारियों में जो है वो जारी रखना चाहिए। तो ये हमने कुछ कंडीशन देखी थी, 6 महीने से कम उम्र, 6 महीने से ज़्यादा माँ की बीमारी के दौरान। तो बीमारी के दौरान स्तनपान जारी रखें, बीमारी के बाद बढ़ा दें उसकी मात्रा। बीमारी के दौरान अगर 6 महीने से 2 साल का बच्चा है तो बीमारी के दौरान स्तनपान भी जारी रखें, साथ ही साथ ऊपरी आहार भी जारी रखें। और जब वो ठीक हो जाए तो फिर स्तनपान तो खैर जारी रखें लेकिन ऊपरी आहार की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। बीमारी के दौरान जो है माँ को स्तनपान जो है वो जारी रखना चाहिए, साथ ही साथ ऊपरी आहार भी देते रहना चाहिए। ये हमने कंडीशन कुछ देखी। बीमार शिशु के लिए स्तनपान कितना ज़रूरी है, अगर बच्चा बीमार है और हम उसको दूध पिला रहे हैं, ठीक है, 6 महीने से छोटा बच्चा तो खैर स्तनपान करेगा लेकिन 6 महीने से बड़ा बच्चा उसके लिए कितना महत्व है वो बताते हैं, ठीक है। कुछ माताएं जो है वो 2 वर्ष की उम्र तक शिशुओं को स्तनपान नहीं कराती है और कुछ माताएं जो है वो पहले बंद कर देती है। मान लीजिए 1 साल के बच्चे को जो है आपने दूध पिलाना बंद कर दिया तो उस स्थिति में क्या होगा, बीमारी के दौरान कई बच्चे जो है वो ऊपरी आहार खाना पसंद नहीं करते, ऊपर का खाना उनको पसंद नहीं आता और सभी बच्चों को स्तनपान जो है वो ज्यादा आरामदायक लगता है, दूध पीना ज्यादा ठीक लगता है। तो स्तनपान मिलने वाले बच्चे, माँ के दूध जो है वो शिशु के लिए संपूर्ण आहार है और पानी का सुरक्षित स्रोत भी है। तो जब बच्चा बीमार पड़ता है तो माता के लिए स्तनपान कराना सबसे ज्यादा सुविधाजनक है। तो बीमारी के दौरान जो ऊपर का खाना जो बच्चे पसंद नहीं करते, दूध ज्यादा पीते हैं, तो वो फिर वो माँ से जो है वो दूध ले लेते हैं, लेकिन अगर तो उनको काफी हद तक जो है वो पोषण मिल जाता है 6 महीने से ऊपर के बच्चों को, अगर उन्होंने अपना जो है ऊपरी आहार थोड़ा कम भी कर दिया। लेकिन अगर माँ ने स्तनपान बिल्कुल ही बंद कर दिया है और उस स्थिति में अगर बच्चा बीमार पड़ जाता है, मान लीजिए 1 साल का बच्चा बीमार पड़ जाता है, तो माँ फिर दोबारा से उसको दूध पिलाना शुरू नहीं कर पाती और ऐसे में फिर ऊपरी आहार जो है वो देना भी मुश्किल हो जाता है। और ठीक है, तो फिर माताएं जो है वो बोतल से शुरू देने दूध जो है आहार देना या दूध पिलाना शुरू करती है जो हानिकारक हो सकता है, ठीक है। और इस तरह से जो माता 2 साल तक की उम्र तक बच्चे को स्तनपान कराती है वो फायदे में रहती है, क्योंकि बीमारी के दौरान उसका बच्चा जो है वो माता से दूध तो स्तनपान कर सकता है, लेकिन जो माता दूध नहीं पिलाती वो बच्चे जो है वो ऊपरी आहार तो वैसे ही कम कर देते हैं, स्तनपान वैसे ही उनकी शुरू नहीं हो पाता, तो वो फिर कुपोषित हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्तनपान अगर आपने जारी रखा है 2 साल तक तो बच्चे को जो है अगर बीमार पड़ रहा है तो रिकवरी में जो है वो आसानी रहती है। बीमार शिशु के लिए स्तनपान कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। मान लो शिशु 15 महीने का है और बीमार हो गया है, शिशु को कोई अन्य आहार लेने को जो है वो तैयार नहीं है और स्तनपान की मांग कर रहा है, तब जब वह 12 माह का था तो माँ ने जो है उसका दूध पिलाना जो बंद कर दिया, तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं, ये रोल प्ले है, ठीक है, रोल प्ले हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है, इसमें हमारा कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो ठीक है, पंजी नंबर 9 क्या है, इस तरह की चीज़ें जो है ये रेफरल सर्विसेज वाला जो रजिस्टर है। शिशु की बीमारी के दौरान और बाद में आहार खिलाने का अवसर, ये कुछ जो है ये हमारा है, हम इसको देख लेते हैं, ये वाला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। शिशु के नाटेपन का प्रमुख कारण ऊपरी आहार में कमी और बार बार होने वाली बीमारियां हैं। यदि बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है और बीमारी के दौरान और बाद में कम आहार ले रहा है तो वो इस उम्र में लंबाई बढ़ने का अवसर खो देता है। शिशु आहार लेना क्यों छोड़ देते हैं, बीमारी के दौरान भूख नहीं लगती इसलिए वो छोड़ देते हैं। शिशु को बीमारी के दौरान और बाद में आहार कैसे देना चाहिए, माता को स्तनपान जारी रखना चाहिए और बीमारी के दौरान और बाद में शिशु को बार बार स्तनपान कराना चाहिए और बीमारी के बाद शिशु को भूख के अनुसार माता को 6 माह से अधिक उम्र के शिशु को ऊपरी आहार की मात्रा जो है वो बढ़ा देनी चाहिए और बार बार खिलाना चाहिए। खासतौर पर 6 महीने से ऊपर के बच्चों को जो है मैंने बताया था आपको कि उनको जो जितना वो पहले खाते थे उससे थोड़ा सा ज्यादा खिलाना चाहिए ताकि उनका जो वो कमी हुई है वो, या शिशु के 2 वर्ष की उम्र तक होने को माँ को जो है स्तनपान जो है वो जरूर कराना चाहिए और इस दौरान जो है आवश्यकता के अनुसार जो है दूध बनता रहेगा आपका, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ जो था, ये बीमारी के दौरान जो है वो कैसे बच्चे को आहार देना चाहिए, 6 महीने से छोटे बच्चे, 6 महीने से बड़े बच्चे और माँ खुद बीमार है तो अब क्या उसको जारी रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए और ऊपरी आहार की मात्रा जो है वो बढ़ा देनी चाहिए बीमारी के बाद, ये हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट है स्तनपान संबंधित समस्याओं में माता को सहयोग, ठीक है, ये मॉड्यूल 15 है। इससे पहले भी हमने स्तनपान का देखा था, ठीक है, माता का सहयोग, इसमें कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं वो भी आप देखते रहना, ठीक है।
स्तनपान करवाने में किसी तरह की समस्या आ सकती है, कई कारण हो सकते हैं। एक तो बच्चे को क्या समस्या आ सकती है और माता से क्या स्तन समस्या आ सकती है। बच्चे को ये समस्या है कि शिशु का स्तन से जुड़ाव ठीक नहीं हो, ठीक है, कमजोर शिशु पूरी अगर बच्चा कमजोर है तो वो ताकत से स्तनपान नहीं कर पाता, अगर वो बच्चा बीमार है तो भी उसकी इच्छा नहीं करती स्तनपान करने की, और साथ ही साथ बोतल द्वारा दूध पिलाए जाने के कारण भी जो है स्तनपान में जो है वो कमी आ सकती है, बच्चे को फिर वो स्तनपान करना अच्छा नहीं लगता अगर वो, क्योंकि आसानी से बोतल से दूध मिल जाता है, ठीक है। माता से संबंधित समस्याएं क्या हैं, या तो स्तन में दूध का जमाव हो गया या निप्पल में दर्द या घाव है, तो ये कुछ माता से संबंधित समस्याएं हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हम देखते हैं, हमने हेडिंग पढ़ ली थी ये, ठीक है, स्तनपान संबंधित समस्याओं में माता को कैसे सहयोग करना है। तो नवजात शिशु को स्तनपान न कराने के क्या कारण हो सकते हैं और माँ को स्तनपान करवाने में क्या परेशानी हो सकती है, ये दो क्वेश्चन अभी हमने ऊपर देखे, ठीक है। जब एक स्वस्थ नवजात शिशु ठीक से स्तनपान न करे तो हमें क्या करना चाहिए, शिशु के जन्म के बाद जल्द से जल्द होम विजिट करके जो है वो माँ जो है माता को स्तनपान सुनिश्चित करवाने में मदद की जा सकती है, ठीक है। आमतौर पर शिशु का स्तन से जो है वो जुड़ाव जो है वो ठीक नहीं हो पाता, इस कारण स्तनपान कराने में माता को परेशानी आ सकती है, ठीक है। तो अवलोकन करना चाहिए, एक, क्या शिशु की माँ आराम से बैठी है लेटी है, अगर माँ किसी आरामदायक मुद्रा में ना हो तो शिशु ज्यादा समय तक जो है वो स्तनपान करने में सक्षम नहीं हो पाता, ठीक है। एक स्वस्थ शिशु सामान्यतः 10 मिनट तक एक बार में स्तनपान कर पाता है, तो ये 10 मिनट याद रखना है आपने, ठीक है। पिछले मॉड्यूल में भी जो था स्तनपान वाला उसमें हमने पढ़ा, क्या शिशु के पूरे शरीर को सहारा मिल रहा है ये भी हमने देखना है, ठीक है। तो अगर उसको सहारा मिल रहा है तो वो बिना थके काफी लंबे समय तक स्तनपान कर पाता है। क्या शिशु का सिर थोड़ा सा पीछे की ओर झुका है, ठीक है, अगर आगे की ओर झुकेगा तो उसको सांस लेने में और स्तनपान करने में जो है वो कठिनाई आएगी। एरियोला, जिसको स्तन का काला हिस्सा कहा जाता है, ये शब्द आपने याद रखना, तो क्या उसका अधिकांश हिस्सा शिशु के मुंह में है, ठीक है, और अगर बच्चा सही तरीके से स्तनपान कर रहा है तो अधिकतर हिस्सा उसका जो है वो बहुत ही कम हिस्सा जो है एरियोला का दिखाई देता है, ठीक है। स्तनपान करते हुए बीच बीच में दूध निकलने से पहले शिशु कितनी बार स्तन चूस रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 10 से 15 बार जो है वो दूध निकलने से पहले जो है एक स्वस्थ जो बच्चा है वो 10 से 15 बार जो है स्तन चूसता है, ठीक है। क्या स्तनपान करते समय बार बार सुस्त होकर सो तो नहीं रहा है, एक स्वस्थ बच्चा जो है भूखा बच्चा है तो वो तब तक नहीं सो सकता जब तक वो एक स्तन का दूध पूरी तरह से सो पी नहीं पाता, ठीक है। और अगर सो भी जाता है तो उसको दोबारा से जगा के या फिर पूरी ताकत से वो जो है जाग जाएगा और फिर दोबारा से दूध पीना शुरू कर देगा, ठीक है। और स्तनपान में कम से कम एक स्तन का पूरी तरह से और दूसरे स्तन का कुछ भाग तो बच्चा जो है वो खाली कर ही देता है, एक जो स्वस्थ बच्चा है, ठीक है। स्तनपान का अवलोकन, ये एरियोला जिसको हम बात कर रहे थे, ये बिल्कुल सही स्थिति है, ये सही स्थिति नहीं है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, आगे है, जब एक कमजोर नवजात शिशु स्तनपान नहीं कर पाए तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने एक शब्द जो हमने पहले भी पढ़ा था, शिशु को अस्पताल या SNCU, SN होता है स्पेशली न्यूबॉर्न केयर यूनिट, ठीक है, स्पेशली मतलब विशेष, न्यूबॉर्न मतलब नवजात, केयर मतलब देखभाल और यूनिट मतलब इकाई, ठीक है। तो SNCU का मतलब होता है, SNCU की फुल फॉर्म है स्पेशली न्यूबॉर्न केयर यूनिट। ये जो बीच बीच में हमारे टॉपिक आ रहे हैं तो हम कई सारे इसमें फुल फॉर्म्स आपको ऑलरेडी बता रहे हैं, तो वो आपने याद रखनी है, ठीक है। फुल फॉर्म्स का एक अलग से वीडियो आएगा, हो सकता है कुछ एक आधे भी उसमें छूट भी जाए, तो आपने तब वो ध्यान रखना है। आगे हम चलते हैं, तो अगर कमजोर बच्चा नवजात शिशु जो है स्तनपान, कमजोर नवजात शिशु जो है वो स्तनपान, कमजोर नवजात कैसे पता लगेगा, जो 8.5 महीने से पहले पैदा होगा, ठीक है, जिसका वजन 2 किलो से कम होगा, जो अच्छी तरह स्तनपान नहीं कर पाएगा, तो उसको हम कमजोर नवजात शिशु कहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, होम विजिट हमने कहा ही है, ठीक है, उसका पहचान करें सबसे पहले। तो एक, अतिरिक्त देखभाल के निम्न पहलू, शिशु को अधिक बार स्तनपान करवाना चाहिए और अगर जरूरी हो तो जगाकर भी स्तनपान कराएं। शिशु को गर्म रखने के लिए KMC करें, KMC की मैंने बता दिया, कंगारू मदर केयर कहा जाता है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। शिशु को देखभाल करते समय साफ सफाई का ध्यान रखें और गर्भ नाल को सूखा और साफ रखें। तो
तो ये कमजोर नवजात की अतिरिक्त देखभाल के कुछ पहलू हैं। इसके अलावा कमजोर शिशु को स्तनपान कराने के लिए धैर्य और अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है। शिशु बार बार थकने और सोने लगेगा, उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध देना होगा और स्तनपान कराने के लिए जगाना पड़ेगा। शिशु एक बार में थोड़ा सा दूध ही पिएगा क्योंकि उसका पेट छोटा है, इसलिए शिशु को बार बार स्तनपान कराना होगा। ठीक है, पूरे दिन पूरी रात समय हर एक या दो घंटे में। शिशु जो कमजोर होने के बाद ठीक से स्तनपान कर पा रहे हैं, आमतौर पर उनकी देखभाल घर पे की जा सकती है। ठीक है, ऐसे शिशुओं के लिए गर्माहट, स्वच्छता और स्तनपान पे विशेष ध्यान रखें। जो बच्चे कमजोर हैं लेकिन अगर वो दूध ठीक पी रहे हैं तो उनको घर में ही देखभाल की जा सकती है और कुछ भी नहीं देना स्तनपान के अलावा। जो बच्चे बहुत कम दूध पी रहे हैं या बिल्कुल नहीं पी रहे हैं तब क्या करें? ऐसे शिशु इतने कमजोर होते हैं कि वो स्तन केवल एक या दो बार ही चूसेंगे या फिर बिल्कुल ही निप्पल को होठ या जीभ लगाकर सो जाएंगे। तो यदि बार बार स्तनपान की कोशिश के बावजूद भी शिशु जो है वो दूध नहीं पी पा रहे हैं, घर पे देखभाल नहीं की जा सकती। जो कमजोर बच्चे अगर वो दूध पी रहे हैं तब फिर वो तो घर पे उनको रखें, लेकिन फिर उनको क्या है कि SNCU भेजना पड़ता है, हॉस्पिटल या स्पेशली न्यूबॉर्न केयर यूनिट, विशेष नवजात देखभाल इकाई, वहां भेजना प्रेफर करना पड़ता है। यदि शिशु अब ठीक से स्तनपान कर पा रहा है तब फिर और अब स्तनपान की इच्छा घटती है तो वो बीमार पड़ रहा है, तो इसका मतलब शिशु को फिर से तत्काल रेफर करने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर पहले पी रहा था और दोबारा उसकी कम हो रही है इच्छा तो फिर उसके वो स्तनपान जो है मतलब रेफर करने की आवश्यकता है। हाथ से दूध निकालने के लिए आवश्यक तैयारी। कई बार क्या होता है कमजोर या बीमार नवजात शिशु स्तनपान नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो फिर माँ को जो है वो स्तन से दूध निकालकर शिशु को जो है स्तनपान करवाना पड़ता है। ठीक है, शिशु के आहार की आवश्यकता को पूरा करने में सहायता करता है। अगर शिशु को स्तनपान के अलावा कुछ और देते हैं तो संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए स्तन से निकाले गए दूध को पिलाना ही सबसे उपयुक्त होता है। ठीक है, तो एक माता को कुछ समय तक शिशु को उठाकर स्तनपान कराने का प्रयास करने को कहें। ठीक है, ऐसा करना दूध उतरने के लिए उत्तेजना में सहायक होगा। ठीक है, और साथ ही साथ पता करने में मदद करेगा कि शिशु अपने आप ही स्तनपान कर पा रहा है कि नहीं, सही आकार का कप चुनना है और सफाई का जो है वो ध्यान रखना है। तो स्तन से जो दूध इकट्ठा है उसको जो है चौड़े मुंह के कप या कटोरी चुने उसके लिए इकट्ठा करने के लिए दूध के लिए, और कप को जो है वो साबुन या गर्म पानी से साफ करें और फिर हवा में सुखाएं। तो जिस कटोरी में जो है स्तन का दूध इकट्ठा करना है ये उसके बारे में कहा गया है। दूध निकालने के लिए जो स्तन को तैयार करें, स्तन के हर भाग में छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं। ये जो छोटी छोटी नलिकाएं जो है वो निप्पल के ठीक पीछे बड़ी नलिकाओं में एकत्र होती हैं जो एरियोला के नीचे होती हैं। ठीक है, और एरियोला बड़ी नलिकाओं में इकट्ठे हुए दूध को आसानी से दबाकर निप्पल से निकाला जा सकता है और फिर ये दूध जो है वो उस पहले स्तन में सब ओर से जो है दूध धीरे धीरे दबाकर निप्पल के पिछले हिस्से में बड़ी नलिकाओं में इकट्ठा करना होता है। ठीक है, माता को अपने हाथों को गर्म पानी और साबुन से साफ करना चाहिए और स्तन और निप्पल को केवल पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। ठीक है, माता को आराम से बैठना चाहिए और स्तन से दूध बहना शुरू होने पर उसे इकट्ठा करने के लिए साफ कप को जो है अपने निकट रख लेना चाहिए। यदि स्तन कठोर महसूस हो रहा है तो उसको गर्म तौलिया लगाना चाहिए, इससे स्तन जो है कुछ मुलायम हो जाएगा और दूध निकालते समय जो दर्द जो है वो कम होता है। ठीक है, निप्पल में उत्तेजना के लिए निप्पल को हल्के से खींचना और उन पर उंगलियां घुमाना चाहिए, यह शिशु द्वारा स्तन को चूसने के समय और इससे दूध अपने आप उतरने लगता है। ठीक है, स्तनों की मालिश चित्र के अनुसार बताया गया है जिससे स्तन मुलायम और दूध निकले। ठीक है, यहाँ कुछ चित्र बनाए गए हैं इस तरह से, ये कटोरी है। ठीक है, ये स्तन के नीचे जो नलिकाएं हैं ये बाद में एरियोला में आ जाती हैं। गर्म तौलिए से सेकें ताकि जो है आसानी से जो है दूध जो है निकले। बाकी ये बताया गया अलग अलग प्रकार से मालिश कैसे की जाए ताकि जो है आसानी से दूध जो है वो उतर सके। स्तन से दूध कैसे निकालें? ठीक है, जब बूंद बूंद करके दूध बहने लगे तो साफ कप में दूध निकालना शुरू करें। एरियोला के बाहर अंगूठे और उंगली को एक दूसरे के सामने रखें। ठीक है, और पीछे को लेते हुए सीने की ओर दबाएं, एरियोला को धीरे से दबाएं ताकि दूध निकलने लगे। तो ये सारा का सारा जो है आपका बताया हुआ है कि किस तरह से जो है कुछ माताओं के स्तनों में शुरुआत में दूध नहीं आएगा तो स्तनों की मालिश करके कुछ बार दबाने के बाद दूध निकलना शुरू हो जाता है। पहले मालिश करें फिर दूध निकालें, पुनः मालिश करें फिर दूध निकालें। ठीक है, तो ये बताया गया है इसमें। फिर है स्तनों में पर्याप्त रूप से दूध निकलने में करीब 20 से 30 मिनट लगेंगे, विशेषकर शुरुआती कुछ दिनों में जबकि बहुत कम दूध ही बन पा रहा होगा।
ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। दूध इकट्ठा करना, दूध निकलने के बाद कप को तुरंत ढक दें, दूध को ठंडी स्वच्छ और सूखी जगह पे रखें, स्तन से निकाल कर इकट्ठा किए गए दूध को शिशु को पिलाने से पहले कभी गर्म नहीं करना चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए, एक ये। और दूसरा, स्तन से निकाले गए निकालने के बाद दूध को 6 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, उसके बाद उसको फेंक देना चाहिए, यानी 6 घंटे तक ही स्तन से जो दूध निकाला है उसको जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दोनों पॉइंट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, कि ये वाला और एक ये, गर्म नहीं करना चाहिए। कप में उंगलियां नहीं डालें, ठीक है, बाहर से पकड़ें, नहीं तो इन्फेक्शन का खतरा रहता है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस बताया गया है, एरियोला, ठीक है, और फिर यहाँ से पीछे लेते हुए किस तरह से दूध निकालें, और ठीक है, ऊपर की उंगलियों बदल के ये प्रक्रिया जो दूसरे स्तन के साथ करें और मालिश करते रहें, ठीक है। फिर हमारा शिशु के स्तन से निकला हुआ दूध कैसे पिलाएं बच्चे को, ठीक है, खांसे बिना शिशु और दम घुटे बिना नीले पड़े बिना दूध को गटक लेता है, तो वह कप से दूध पीने के लिए तैयार है। कई बार खांसी करते हैं या उनका दम घुटता है या शरीर नीला पड़ जाता है, तो उस स्थिति को हमने देखना है। शिशु को दूध पिलाने के लिए छोटे आकार की गोल आकार की कटोरी या टोंटी वाला कप लें, ध्यान रखें नुकीली ना हो जिससे शिशु को बच्चे को चोट पहुंचे। कटोरी चम्मच से भी दूध पिलाया जा सकता है, बस उसकी किनारी जो है वो चिकनी होनी चाहिए। दूसरा है पल्लड़ी का उपयोग करें, एक छोटा कप होता है जिसको दूध टोंटी बनी होती है। क्या शिशु जग रहा है या भूखा है, कभी भी सोते हुए दूध नहीं पिलाना बच्चे को। शिशु को दूध पिलाने से पहले कि भाई वो जाग रहा है नींद में है तो उसको उठाना चाहिए, ठीक है। कभी भी सोते हुए बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि उसको जो है वो उसके फेफड़े में वो जो है दूध फंस सकता है, वो बहुत जो है वो घातक होता है, ठीक है। शिशु अपना मुंह या जीभ हिला रहा है कि नहीं हिला रहा है, आंखें खुली हुई हैं, चारों ओर देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ये ध्यान रखना है। कैसे दूध पिलाएं, एक तो अपने हाथ को साफ रखें, पहले साबुन से धोएं, ठीक है। कप जो है दूध पिलाने वाले कप में स्तन से निकला हुआ थोड़ा सा दूध डालें, शिशु को गोद में रखकर सीधा खड़ा पकड़ें, ठीक है, गर्दन और सिर को सहारा दें। कप और जो है वो बच्चे के निचले होंठ पे रखना चाहिए हौले से हल्के से, और थोड़ा सा जो है वो तिरछा करके दूध जो है वो बच्चे के मुंह में जो है वो लाएं वहां तक, और वो स्वयं दूध पीना लगेगा, फिर कुछ ठहरेगा, फिर दूध फिर दोबारा से सड़पने लगेगा दूध या पीने लगेगा दूध, ठीक है। दूध को कप के किनारे बनाए रखें, निचले होंठ पे हल्का सा टिका रहने दें, ठीक है। शिशु को भरपेट जो है वो दूध पीना है, अगर बच जाता है दूध तो 6 घंटे के अंदर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना 6 घंटे से ज्यादा ना रखें और फेंक दें, ठीक है। कप से दूध पीने में जो है वो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा समय लगता है, इसलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जबरदस्ती मुंह में उडेलना नहीं है दूध, इससे दम घुट सकता है बच्चे का। सोते हुए कभी नहीं देना है, ठीक है, गर्म नहीं करना है दूध, और लेटी अवस्था में कभी भी जो है वो नहीं, शिशु जो अगर सोया है तो नहीं, इस तरह से शिशु को लेटी हुई अवस्था में कभी भी आहार नहीं देना चाहिए। स्तन से निकला हुआ दूध पिलाने से पूर्व हमेशा शिशु को पहले स्तनपान कराने की कोशिश करें, जिससे कि वो तैयार हो जाए दूध पीने के लिए। पल्लड़ी जो बात की गई थी वो इस तरह का होता है, ठीक है, और इस तरह से जो है उसके निचले होंठ पे रखना है, और फिर इस तरह से बच्चे को दूध जो है वो पिलाना है, ठीक है। शिशु को कब तक दूध स्तन से निकाल कर पिलाएं, शिशु को कब तक दूध स्तन से निकाल कर पिलाएं, अधिकतर कमजोर नवजात शिशु जो स्तनपान नहीं कर पाते किंतु जो स्तन से निकला हुआ दूध पी लेते हैं, उन्हें स्तनपान करना है जितना मजबूत होने से पहले कई दिनों तक जो है स्तन से निकला हुआ दूध पिलाने की आवश्यकता होगी, ठीक है। ठीक है, और शिशु द्वारा स्वयं स्तनपान करने की कोशिश स्थिति में आने में ये डिपेंड करता है कि बच्चे का जन्म कब हुआ है। कमजोर नवजात को स्तनपान की ओर ले जाने में सहायक चरण, ठीक है, तो ये देख लेते हैं। एक तो कैसे उसको स्तनपान शुरू करवाना है कमजोर नवजात को, एक तो उसको कंगारू मदर केयर देना है, यानी कि अपने शरीर से सटा के रखना है, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी जो है वो शिशु स्तनपान की ओर जो है वो उसको ले जा सकें। शिशु को भूख लगना है, भूख लगती है उसके, उसको पहचानना पड़ेगा, हमें उसके चिन्ह को पहचानना पड़ेगा, और उसको कुछ देर के लिए स्तनों से लगाएं। हर बार स्तन से दूध निकलने से पहले ये प्रक्रिया दोहराएं। स्तन से दूध निकलने दूध की कुछ बूंदें सीधे शिशु के मुंह में डालें, यदि उसका दम घुटने लगे खांसने लगे तो इसका मतलब है कि भाई अभी वो तैयार नहीं है स्तनपान करने के लिए। जैसे जैसे वो बड़ा होगा,
ठीक है, ज्यादा देर तक जगा रहेगा, स्तन अधिक समय तक चूसना शुरू करेगा, तो धीरे धीरे जो है उसकी जो है कुशलता बढ़ जाएगी स्तनपान करने की। ठीक है, यदि शिशु पहले स्तन से निकला हुआ दूध पी रहा था, अब 2-3 प्रयासों के बाद भी उसने दूध लेना बंद कर दिया, तो फिर हॉस्पिटल में रेफर करना जरूरी है। ठीक है, फिर हम माता के स्तन में अगर दूध का जमाव हो जाने पे फिर क्या करें? अगर स्तन सूजे हुए हों, छूने पे दर्द होता है, स्तन में दूध का जमाव अगर हो रहा है तो कैसे पहचाने? एक तो स्तन सूजे हुए हों, छूने पे दर्द होता है, दूसरा स्तन की त्वचा चमकदार दिखने लगे, माता को बुखार हो, शिशु ठीक से स्तनपान नहीं कर पा रहा हो, ठीक है, भूखा और चिड़चिड़ा हो, तो इसका मतलब है स्तनों में जो है वो दूध का जमाव हुआ है। तो क्यों दूध का जमाव हो जाता है? ऐसे स्तन की नलिकाओं में दूध जमा होने से होता है। स्तनपान के समय दूध रह जाता है और स्तन पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता, ऐसे कई कारणों से हो सकता है। एक, शिशु अपना मुंह स्तन से ठीक तरह से नहीं लगा पा रहा है, इसलिए दूध जो है वो अच्छी तरह से चूस नहीं पा रहा है। दूसरा, शिशु स्तनपान की शुरुआत जन्म के कई घंटों या दिनों के बाद हुई हो और तब तक स्तनों में जो है दूध जो है वो अधिक ज्यादा भर जाता है, तो ज्यादा दूध भरने से भी ऐसा होता है। शिशु एक कमजोर नवजात है जो दूध नहीं पी पाता है, तो इसकी वजह से जो है जितना दूध स्तनों में बन रहा है वो जो है वो कम दूध पीकर ही जो संतुष्ट हो जाता है। केवल स्तनपान के बजाय शिशु को अन्य पेय दिया जा रहा है जिससे उसका पेट भर जाता है और स्तन में बनने वाला सारा दूध पीने जितनी भूख ही शेष नहीं रह जाती। तो निप्पल में दर्द या घाव या पीड़ा के भय से माता उसे स्तन का दूध जो है पिलाने से बच रही है, तो इसलिए स्तनों में दूध का जो है वो जमाव हो जाता है। जब एक या दोनों स्तनों में दूध का जमाव हो जाए तो क्या करना चाहिए? एक तो दूध निकाल कर खाली करना चाहिए, करने से पहले उसको गर्म तौलिए से सेकना चाहिए, ठीक है, जिससे दूध के बहाव में मदद मिले। तो अगर दोनों स्तनों में या एक स्तन में दूध जमा हो गया तो उसको गर्म तौलिए से जो है वो हमें सेकना चाहिए। दूसरा, खाली स्तनों से स्तनपान कराने की शुरुआत करें, पता करें कि समस्या किस कारण हुई, इसमें सुधार करें। माता को पैरासीटामोल की गोली खाकर दर्द से राहत क्या नहीं करना चाहिए? शिशु को स्तनपान के अलावा कुछ नहीं देना शुरू करना चाहिए, बोतल का दूध भी नहीं शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो ये बताया गया है, ठीक है, अगर दूध का जमाव हो रहा है तो कैसे उसको खाली करें। फिर है, माता के निप्पल में दर्द या घाव होने पर हमें क्या करना चाहिए? जब शिशु निप्पल को चूसता है तो माता को उसमें दर्द होता है, ठीक है, कैसे पहचान करें? निप्पल के सिरे या नीचे घाव या कटने के निशान नजर आए या थोड़ा सा खून भी बह रहा हो, क्यों होता है? अगर बच्चा जो है एरियोला का बड़ा हिस्सा अपने मुंह में नहीं ले पाता तो फिर निप्पल को चबाता है जिससे घाव हो जाता है। दूसरा, अगर हमने शिशु को पहले निप्पल वाली बोतल से दूध पिलाया तो शिशु कई बार जो है वो बोतल समझ के जो है बोतल की तरह निप्पल को चूसने लगता है, जिससे जो है वो स्तनपान चबा जो है वो चबाने की वजह से जो है निप्पल को जख्मी कर सकता है स्तन को। और अगर निप्पल की त्वचा रूखी हो गई हो, ठीक है, साबुन वगैरह का इस्तेमाल करने के कारण भी जो है त्वचा फट जाती है, दर्द हो सकता है। तो दर्द करते निप्पल के लिए क्या करना चाहिए? एक, दर्द करते निप्पल जो है माता को जो है मजबूर कर सकता है कि वो स्तनपान जो है वो ना करे, इससे दूध का जमाव हो सकता है, ठीक है। तो माता को स्तन का उपयोग बंद नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पैरासीटामोल की गोलियां देने के बावजूद दर्द से अगर राहत नहीं मिले तो फिर स्तन को आराम देना चाहिए, ठीक है, और उससे चाहिए कि उस स्तन का दूध समय समय पर निकाल कर जो है स्तन में दूध का जमाव ना होने दें। यदि स्तनपान के समय शिशु के सिर की स्थिति गलत है तो उसे सही करके स्तनपान जारी रखें, ठीक है। दर्द करते हुए निप्पल पर कुछ घंटों के अंतराल में स्तन से निकले हुए दूध को लगने से भी जो दर्द में आराम मिलता है, ठीक है, और घाव भी भरना जो है वो सुनिश्चित होता है। तो स्तन से निकले हुए दूध को निप्पल और एरियोला पे सूखने दें, क्योंकि यह उपचार में सहायक होता है। दर्द करते हुए निप्पल पे कुछ दिन के अंतराल में स्तन से निकले हुए दूध, ठीक है, तो जो दूध लगाने से भी जो है इसमें फायदा मिलता है। कुछ समय के लिए स्तनों को खुला रखकर हवा लगने दें, ठीक है, कई बार गीला रहता है या पसीना रहता है उससे भी दर्द बनता है, ठीक है। लास्ट में कुछ पॉइंट है, निप्पल की त्वचा को रूखा होने से बचाने के लिए उस पर साबुन का इस्तेमाल नहीं करें, शिशु को बोतल से नहीं पिलाएं और स्तन और निप्पल पर मलहम या लेप नहीं करना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है, ठीक है। उन माताओं की सहायता कैसे करें जिन्हें स्तनपान कराने में सहायता आ रही है? तो ये ठीक है, हमें होम विजिट तो करनी करनी है, ठीक है,
तो हम इन माताओं तक कैसे पहुंचेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं नवजात शिशु की माताएं, ठीक है। तो गृह भ्रमण करेंगे, अवलोकन करेंगे, ठीक है, परेशानी तो नहीं आ रही है, बच्चा जो है वो दूध पीने में असमर्थ है या स्तनपान के दौरान थक जाता है, तो जो है हम माता को स्तन से दूध निकालकर शिशु को पिलाने जो है सिखाएंगे। अगर स्तन में दूध का जमाव या दर्द करते निप्पल से पीड़ित है माताएं, तो फिर जो है ऐसा शुरू के कुछ महीनों में होता है, तो ऐसी माताओं के बारे में जानेंगे और तकलीफ को लेकर संपर्क करेंगे या उनके पड़ोसी हमें बताएं, तो जो भी है ठीक है। हम माता जो है वो ये मतलब जो है गृह भ्रमण है या टीकाकरण, उस दौरान जो है हमें इनका पता लगाना है और इन माताओं की सहायता कैसे करेंगे हम, तो विस्तार से पूछेंगे, ठीक है, अवलोकन करेंगे और साथ ही साथ सलाह देंगे समस्या जो है, ठीक है, और सिखाएंगे कि कैसे दूध पिलाना है। तो ये ठीक है, स्तनपान में जो समस्याएं आ रही हैं, कार्य बिंदु हैं ये, ठीक है। तो ये कार्य बिंदु हैं, खास तौर पे स्तनपान से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, ठीक है। और अगर बच्चा नहीं पी पा रहा तो फिर SNCU उसको रेफर करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास हमारे मॉड्यूल थे स्तनपान संबंधी समस्याओं में जो है माता का सहयोग। तो 13, 14, 15 मॉड्यूल हमने इस वाले वीडियो में ख़त्म किए। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारा 16, 17, 18 का, और लास्ट वीडियो जो है 19, 20, 21 मॉड्यूल का आएगा। धन्यवाद।